हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इको विजनर एंड नेशनल इनकम यूनिट। तो हमारा लास्ट ख़त्म हो गया था, आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग की आज क्लास वन लिख लो इसको। सिलेबस का जो हमारा सबसे बड़ा यूनिट था नेशनल इनकम, वो ख़त्म हो चुका। उसकी आप लोग तैयारी वगैरह भी अपना करते रहो, साथ में ऐप पे ही टेस्ट आ जाएंगे MCQ वन मार्कर टाइप जो होते हैं, तो वो जब आपके सारे नेशनल इनकम के हो जाएंगे तो वो आप टेस्ट भी दो। तो अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं मनी एंड बैंकिंग। तो सबसे पहले तो मनी बोलते किसको हैं? मनी, तो मनी एक वो चीज़ है जिसके थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे ये पेन चाहिए था, तो मेरे को पेन लेने के लिए क्या करना पड़ा? मनी देना पड़ा और पेन मिल गया। मैं अपनी एजुकेशन सर्विस बेचता हूँ, तो जिसको ख़रीदनी है वो मुझे मनी दे देता है, मुझसे सर्विस ले लेता है। तो हम सब एक दूसरे से जो सामान खरीद रहे हैं वो एक्सचेंज कर रहे हैं, वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं? मनी। तो यही मनी की जो डेफिनेशन है वो यही है, एनीथिंग दैट सर्व्स एज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये तो हो गया हमारी मनी की डेफिनेशन। अब अगला आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है? तो ये हो गया स्टॉक ऑफ मनी। जितना भी हमारे पास टोटल मनी पड़ा है उसका स्टॉक किसी पर्टिकुलर दिन, ऑन अ स्पेसिफिक डे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना स्टॉक पड़ा है। अब इसमें किस किस चीज़ों को हम मनी सप्लाई में लेते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी मनी में किस किस को हमें काउंट करना है। तो मनी सप्लाई में हमें लेना है जितने भी हमारे हो गए करेंसी, करेंसी में आपके नोट्स कॉइन्स सब आ गए, नोट्स कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। देखो बैंकों में हम जो पैसे जमा कराते हैं अलग अलग टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। कुछ तो लोग करवाते हैं फिक्स डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, कि इतने साल के लिए इतने महीने के लिए पैसे हम विड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हमें उस पर अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। तो उनको हम यहाँ पर मनी सप्लाई में नहीं लेंगे। अभी हम ले रहे हैं डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब वो वाला पैसा जो मैंने बैंक में जमा कराया था, पर साथ में कंडीशन है जब मैं डिमांड करूं यानी वापस मांगूं मुझे दे देना। अब हम लोग ATM कार्ड यूज़ करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो डिमांड डिपॉजिट वाला पैसा है यानी मेरे बैंक में जो पड़ा है, FD वाला नहीं, फिक्स डिपॉजिट वाला नहीं, नॉर्मल जो मेरा पैसा पड़ा है उसको बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट्स। मैं रात को 12 बजे भी ATM मशीन में जाके वो पैसा अपना निकलवा सकता हूँ। तो ये हम उसकी बात कर रहे हैं, मनी सप्लाई में लेंगे हम ये वाले डिमांड डिपॉजिट्स। बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई पूछा जाए तो हमें यही चीज़ें लिखनी है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, वो है हमारा क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर। तो देखो इसको बड़े सिंपल तरीके से हम पहले एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, उससे इसको हम समझ पाएंगे। तो मान लो एक इनिशियल कोई बैंक था जिसमें किसी ने 100 रुपीज़ जमा कराए, 100 लाख मान लो, 100 करोड़, 100 रुपीज़, 100,000, कुछ भी 100, हम सिंपल एक फिगर ले लेते हैं 100। इनिशियल डिपॉजिट बैंक में था 100, किसी ने जमा करवाया बैंक में। तो ये हो गया हमारा लेवल वन, किसी बैंक में डिपॉजिट आया 100। अब क्या होता है, जब किसी बैंक में कुछ पैसा आता है तो बैंक वाले को एक रिज़र्व बनाने पड़ते हैं।
बैंक वालों के पास जब भी डिपॉजिट आता है तो बैंक वालों को कुछ रिजर्व्स बनाने पड़ते हैं। रिजर्व्स को आप आम लैंग्वेज में एक गुल्लक बोल सकते हो, सेफ्टी की गुल्लक। तो बैंक को आरबीआई से इंस्ट्रक्शन आती है कि अगर आपके पास मान लो 100 आया है तो आपको इसमें से कुछ परसेंट एक गुल्लक बनानी है। मैं आम लैंग्वेज बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में जिसे हम रिजर्व बोलते हैं, वो गुल्लक में आपको अपने पास पैसे सेफ्टी के लिए रखने हैं और एक गुल्लक हमारे पास लेके आनी है, यानी आरबीआई के पास। तो इस बैंक के पास मान लो 100 आए हैं और इसको कहा गया कि भाई इसमें से 15 की गुल्लक तो तू अपने पास रख लियो, बैंक वाले को कहा गया, और 5 की गुल्लक हमारे वहाँ बना दे रिजर्व। यानी इस बैंक के टोटल जो पैसा आया है 100, उसमें से 20 तो चले गए, 20% वेस्ट हो गए रिजर्व्स के अंदर, गुल्लक में 15% उसने डाल दिए अपने पास, एक गुल्लक बना के रखी बैंक वाले ने, और एक गुल्लक आरबीआई के पास बना के रखी, वहाँ डाल दिए 15। तो जो पैसा गुल्लक में चला गया वो तो वेस्ट हो गया बैंक वालों की नज़र से। अब जो बचा है 80, इसको वो लोन दे देंगे, क्योंकि बैंक वालों को कमाई तभी होगी जब वो किसी को लोन पे पैसा दें, क्योंकि वहाँ से वो लेते हैं बड़ा इंटरेस्ट। पब्लिक को जो एफडीओ के ऊपर इंटरेस्ट बैंक वाले देते हैं वो होता है कम, और जब हम लोन लेने जाते हैं तो वो इंटरेस्ट होता है ज़्यादा, तभी तो बैंक वाले कमाएंगे। तो उन्होंने, एक बंदा आया था मान लो, वो कह रहा था मुझे कार चाहिए, तो कार का लोन दे दिया उसको 80 लाख करोड़ 1000 जो भी था वो 80। अब क्या हुआ, इस बंदे ने मान लो मिस्टर एक्स, इसने कार खरीद ली वो 80 की, 80 लाख की, 80 करोड़ जो भी है 80। अब वो चेक लेके कार डीलर को दे दिया उसने। अब कार डीलर क्या करेगा इस चेक का, उसने उसको कार दे दी, मिस्टर एक्स तो निकल लिया अपना घर, निकल लिया कार लेके, पर चेक है कार डीलर के हाथ में। वो कार डीलर कहेगा चेक को क्लियर करते हैं, अपने बैंक में डालेगा वो, तो किसी बैंक में डिपॉजिट आ जाएगा 80 का, वो जो लोन वाला चेक था। अब ये बैंक सोचेगा यार 80 आए हैं, आरबीआई की इंस्ट्रक्शन फॉलो करता हूँ, 20% गुल्लकों में डाल देता हूँ, कुछ वहाँ कुछ आरबीआई पे। तो इसका 20% हम मान रहे हैं कि 20% आरबीआई, ये आरबीआई बताएगा कि कितने परसेंट हमें रिजर्व्स में डालना है, तो इसका हो गया 16। अब इस बैंक के पास बचे 64। अब इसने भी सोचा कुछ पैसा कमाते हैं, हम भी किसी को लोन देते हैं। अब मान लो मिस्टर वाई आ गया कि भाई मुझे हाउस लोन चाहिए, तो बैंक वाले ने कहा ठीक है, ये 64 का चेक है, आप जाके अपना मकान, हाउस, फ्लैट जो लेना है लो। अब ये बंदा मिस्टर वाई बिल्डर के पास गया, उसको चेक दिया, अपना मकान लिया, घर लिया, फ्लैट था जो भी था। अब चेक जो है ये 64 का बिल्डर के हाथ में, बिल्डर ने सोचा मैं अपने बैंक में जमा करता हूँ, पैसे मिलेंगे, तो इसने अपने बैंक में जमा किया 64। तो उस किसी नए बैंक में आ गए 64। तो देखो पैसा इधर से उधर चेकों के थ्रू घूमता जा रहा है, तो हर बैंक में एक एंट्री क्रिएट हो रही है पैसा आने की, और हर बैंक आरबीआई का रूल फॉलो करके एक गुल्लक भी बना रहा है। तो ऐसे बहुत चलता रहेगा आगे तक, और इसका जो टोटल है वो हम एक मैथ्स का फॉर्मूला होता है उसकी मदद लेंगे। ये आ गया है 500। अब ये 500 कैसे आया, तो मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। अब इसकी हमें डिटेल में नहीं जाना, बस थोड़ा ध्यान रखना है ये फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला कहता है कि ये जो वैल्यू आएगी, ये 500 कैसे आई वैल्यू, तो वो कहता है कि जितना पहला अमाउंट था उसके कुछ टाइम्स ये होगा, तभी देखो नाम है मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स या मल्टीप्लायर, और वो कितने टाइम्स होगा, तो इसे हम एक फॉर्मूला बना देते हैं, मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/, ये जो गुल्लक में डाला है, इस रिजर्व में डाला है, इस गुल्लक का ऑफिशियल नाम होता है लीगल रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशियो, या शॉर्ट में इसे बोलते हैं हम LRR, यहाँ लिख लो LRR, मतलब लीगल मतलब गवर्नमेंट का कानून है, ये लीगल लॉ है ये, कि हर बैंक वालों को RBI के लॉ को फॉलो करना है। रिजर्व तो आम लैंग्वेज में गुल्लक ही होता है, रेशियो यानी इतना परसेंट, तो 1/20% रेशियो है, तो यानी ये आ गया 5 times, तो ये 5 गुना हो जाएगा, यानी ये 100 वाला हो जाएगा 500,
अब इसका भी कर लेते हैं टोटल, पाँच पाँच गुना हो जाएगा, ये 20 वाला हो जाएगा 100 और ये 80 का पाँच गुना हो गया 400। तो हर चीज़ 5-5 टाइम्स हो जाएगी। ये मैथ्स का फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन, मैथ्स में ये वर्ड तो नहीं होता लीगल रिजर्व रेशो, मैथ्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ये गुल्लक में जितना डाल रहे हो वो वाली परसेंटेज। तो यहाँ पे गुल्लक का नाम LRR है, गुल्लक का नाम कुछ और होता तो वो हो जाता 1 अपॉन वो वाली गुल्लक की परसेंटेज। तो और जिसको मैथ्स आती है, GP वगैरह आता है, उनको पता है किस टाइप से हुआ है, पर हमें इकोनॉमिक्स में अभी इतनी जो उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर की जो एंट्रीज हो रही हैं बैंकों में। इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं ये भी बोल सकता हूँ, इंक्रीज इन बैंक एंट्रीज। हर बैंक में एक नई एंट्री हो जाती है, जब लोन होता है फिर आगे कोई बंदा बैंक में डिपॉजिट कराता है, ऐसे चलता रहता है। तो बैंक में एंट्रियाँ आती जा रही हैं डिपॉजिट की, और हर बैंक को RBI का ऐसे रूल फॉलो भी करना होता है। तो ये आ गया हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रेडिट क्रिएशन। एक और भी फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का, अगर ऐसे ना देखें, ये टोटल गिवन होता तो भी हम निकाल लेते, टोटल ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, सारे बैंक डिपॉजिट्स का हमने टोटल कर लिया, अपॉन जो इनिशियल बैंक डिपॉजिट हमने कराया था, इनिशियल बैंक डिपॉजिट। तो उस नज़र से भी देखोगे तो आंसर वही आएगा, 500 अपॉन 100 यानी 5। यानी कि हम मनी मल्टीप्लायर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल ऑफ ये बैंक डिपॉजिट्स, टोटल ऑफ बैंक डिपॉजिट्स अपॉन इनिशियल डिपॉजिट जो हमने करवाया था। टोटल बैंक डिपॉजिट्स का 500, इनिशियल कराया था हमने 100, तो मनी मल्टीप्लायर आ गया 5। तो वैसे भी निकाल लो या वैसे निकाल लो, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेज इसकी काफ़ी सिंपल है, अगर ये समझ आ गया तो उसके बाद आप स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। और प्रिंसिपल यहाँ पे एक, हम इस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं कि सारा काम बैंकों से हो रहा है, बैंकों में पैसा आ रहा है, फिर लोग लोन ले रहे हैं, फिर वो किसी और के हाथ में चेक आ रहा है, फिर वो बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। तो इस एजम्पशन पे हम चल रहे हैं और इतना हमारा मल्टीप्लायर आ रहा है इससे 5। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको मैं ज़रा क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, फंक्शंस ऑफ RBI। तो इसके अंदर पार्ट्स हैं कई, तो अभी हम फर्स्ट फंक्शन देख रहे हैं, क्या है, बैंक ऑफ इशू, या इसे हम बोलते हैं करेंसी फंक्शन, नोट छापना। ये तो सभी को पता है, इसमें आगे पार्ट्स हैं कि RBI ही सारे देश में नोटों का हिसाब रखता है, सोल अथॉरिटी RBI ही है, सोल यानी सिंगल अथॉरिटी टू इशू करेंसी। शॉर्ट में मेन बातें लिख रहा हूँ, आसान है लैंग्वेज तो पूरी डिटेल में यहाँ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी रहती है नोट सर्कुलेशन में, क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूशन नोट छापेगी, यूनिफॉर्म नोट छापेगी सब जगह। अगला, इसी के अंदर हमें पॉइंट लिखना है, RBI बैक्स द करेंसी विद एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू, यानी जितनी करेंसी इशू करते हैं उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एसेट भी रखते हैं, क्योंकि जो अकाउंट्स वाले हैं वो इस बात को आसानी से समझ पाएंगे, नहीं तो बाकी लोग को मैं एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ। क्योंकि जब बैलेंस शीट बनती है तो क्या होता है, जितना हमारा एसेट है उतनी ही इक्वल लाइबिलिटी होती है हर ट्रांजेक्शन के पीछे, डबल एंट्री रूल जो होता है हमारा। तो ऐसे ही जब हम नोट इशू कर रहे हैं तो बैलेंस शीट की दोनों साइड में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ
एसेट भी होना चाहिए और कुछ लायबिलिटी भी होना चाहिए। नोट आते हैं हमारी लायबिलिटी साइड में, तो उसके अगेंस्ट में आरबीआई अपनी बैलेंस शीट में रखता है कुछ एसेट्स। इसकी डिटेल अभी 12th में ज़्यादा नहीं है, फर्स्ट ईयर में आएगा, तो इसलिए मैं अभी इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा कि डबल साइडेड कंसेप्ट और कैसे बैलेंस शीट का कंसेप्ट है। बस इतना पता हो कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इक्वल होते हैं। अगला तीसरा पॉइंट, कितनी करेंसी कब डालनी है, कैसे करनी है, ये वैसे लिखने वाला पॉइंट नहीं है, मैं ओरली बता देता हूँ। पुटिंग करेंसी या विड्रॉइंग करेंसी, ये भी सारा काम आरबीआई ही संभालता है, तो आप ऐसे ही शॉर्ट में लिख सकते हो। इसके बाद अगला पॉइंट जो है कि जो करेंसी नोट्स हैं वो तो सारे के सारे आरबीआई ही संभालता है, पर 1 रुपए के नोट हो गए, सिक्के हो गए, हमारे कॉइन्स हो गए, वो सारा का सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारी संभालती है। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभालती है हमारे ऑल कॉइन्स या हमारे 1 रुपी के नोट, बनते तो नहीं हैं अब आजकल ये 1 रुपी के नोट, पर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेज करती है। पर इसको भी इंस्ट्रक्शंस आरबीआई ही देता है कि कब क्या करना है, कितना करना है, ये नहीं अपनी मर्जी से ये कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है गवर्नमेंट के अंडर। तो ये हो गया हमारा पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन, करेंसी से रिलेटेड जो फंक्शन है आरबीआई का, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं इसके बाद, बैंकर टू गवर्नमेंट, यानी जैसे हम लोग आम लोग जो काम प्राइवेट बैंक्स में करते हैं जैसे HDFC, ICICI ये सब, वैसे ही गवर्नमेंट के सारे हिसाब आरबीआई ही संभालता है। तो यानी गवर्नमेंट के सारे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सभी के अकाउंट्स आरबीआई के यहाँ ही खुलते हैं। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बोथ, दोनों के अकाउंट आरबीआई ही संभालेगा। उनकी सारी पेमेंट्स और रिसीप्ट्स का हिसाब आरबीआई ही संभालेगा। और मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ, पूरा तो बड़े सिंपल लैंग्वेज है इसमें, कि उनके बिहाफ पे सारी पेमेंट्स और रिसिप्ट्स का हिसाब आरबीआई ही करता है। और क्या करता है आरबीआई, इनको लोन देता है जब इनको ज़रूरत हो, शॉर्ट में लिख देता हूँ, या कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए हो इनको गवर्नमेंट को, तो वो भी आरबीआई प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा अगला पॉइंट, बैंकर टू गवर्नमेंट, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। तो देखो नाम से ही लग रहा है, सभी बैंकों का हेड बैंक आरबीआई है, और जैसे एक कंपनी में सुपरवाइजर होता है कि सब पे नजर रखता है कहीं कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा, लेबर सब अपना काम ढंग से कर रही है, कोई चोरी फ्रॉड ऐसे इस टाइप के काम तो नहीं हो रहे, तो ऐसी आरबीआई भी सुपरवाइजर की तरह सभी बैंकों पे नजर रखता है, उनके अकाउंट्स चेक करता है, ऑडिटिंग करता है, कहीं कुछ फ्रॉड वगैरह का काम तो नहीं हो रहा। तो ये शॉर्ट में मैंने बताया, अब इसकी डिटेल में लिख लेते हैं। बैंकर्स बैंक, पहले इस वर्ड को ले लेते हैं, तो क्या करता है आरबीआई, सारे के सारे बैंकों की, अभी मैंने पहले ही बताया था मल्टीप्लायर में, एक गुल्लक मेंटेन करके रखता है। देखो दो टाइप की गुल्लक होती हैं, एक गुल्लक तो हर बैंक वाला अपने पास ही रखता है, जिसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो वाली गुल्लक। अभी ये वर्ड्स अगले इसके बाद वाले पॉइंट में डिटेल में आएंगे, तो अभी चाहे आप इतना इसके लिखने की टेंशन मत लो, इसके बाद मेरे को डिटेल में लिखवाना है तभी मैं लिखूंगा उसको। तो अभी तो हम सिर्फ इतना बोल देते हैं कि एक गुल्लक हर बैंक वाला अपने पास मेंटेन करता है, जिसे बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो, और दूसरी गुल्लक हर बैंक वालों को आरबीआई के पास मेंटेन करनी पड़ती है, वहाँ एक रखवानी पड़ती है, जिसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो।
तो सबसे पहली बात कि आरबीआई सभी बैंकों का वो रिजर्व मेंटेन करके रखता है अपने पास, जिसे बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो। एक वो गुल्लक बन जाती है, जो कि देश के या बैंकों के कभी कोई बुरा वक्त आए तो वो गुल्लक में एक रेडी पैसा, रेडी फंड्स हमेशा रहती हैं, तो इसलिए वो एक मेंटेन करती है। तो सबसे पहली बात, आरबीआई मेंटेन्स, अभी बताया मैंने, कैश रिजर्व रेशियो, आम लैंग्वेज में वो जो गुल्लक बताई मैंने, हर बैंक वहां आरबीआई के पास रखता है। एंड प्रोवाइड्स देम विथ सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग फैसिलिटी। अभी के लिए ये वर्ड आपको थोड़ा ध्यान ही रखना है, क्योंकि इसकी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब आएगी तब इसकी टेंशन लेनी, अभी सिर्फ ये वर्ड ही हमें ध्यान रखना है। और क्या करता है आरबीआई? तो देखो, जैसे मैंने अभी बताया, ये एक हर बैंक का कैश रिजर्व, एक गुल्लक कुछ परसेंट अपने पास रखता है, तो कभी कोई बुरा वक्त आ जाए किसी बैंक का, तो इससे वो पैसे भी उनको लोन दे सकता है। तो आरबीआई इनको लोन भी प्रोवाइड कर देता है, प्रोवाइड्स लोन। बट एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इस वर्ड को जरा समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है लास्ट रिसोर्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर इन बैंकों को कहीं से भी पैसा ना मिल रहा हो तो लास्ट रिसोर्ट उनके पास है कि वो आरबीआई के पास जाके लोन ले सकते हैं। फर्स्ट रिसोर्ट नहीं है, लास्ट है, मतलब कहीं से नहीं हो रहा तो आरबीआई के पास जाके ये लोग लोन ले सकते हैं, तो लास्ट रिसोर्ट आरबीआई है। मैंने बताया था सुपरवाइजर मतलब उनकी चेकिंग करना, चेक्स अकाउंट, या इसको हम ऑडिटिंग भी बोल सकते हैं। और यानी जो वो अकाउंट सबमिट कर रहे हैं उनकी चेकिंग करना, ऑडिटिंग करना, कहीं कोई बैंक वाले फ्रॉड वगैरह का काम तो नहीं कर रहे, तो ये सारे काम आरबीआई करता है। और कभी किसी ने कोई और ब्रांच खोलनी है, कोई ब्रांच बंद करनी है, तो उनको लाइसेंस भी आरबीआई ही देगा, प्रोवाइड्स लाइसेंस टू ऑल बैंक्स। ब्रांच एक्सपेंशन करनी है, क्लोजर करना है, मर्जर करना है, कुछ भी काम करना है, तो उनको पहले आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ताकि आरबीआई के पास सारी इन्फॉर्मेशन हो कहाँ क्या हो रहा है बैंकों का। तो ये हुआ हमारा थर्ड फंक्शन, और आगे बढ़ते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। फोर्थ फंक्शन है, आरबीआई क्या काम करता है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। अब आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो कैसे मार्केट में कितना इकोनॉमी में हमारे पैसा हो, मनी सप्लाई हो, लोन्स कब ज्यादा देने हैं कब कम देने हैं, ये सब आरबीआई ही कंट्रोल करता है, और उस पॉलिसी का नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब इस पॉलिसी के दो पार्ट्स हैं, दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, सेकंड है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब एक एक करके हम ये सारे स्टार्ट करते हैं। तो काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो याद रखने का ये एक शॉर्टकट बना लेते हैं। पहले पहले वर्ड्स हमने ले लिए, बी एल ओ सी, ब्लॉक, शॉर्टकट बन गया। बी में क्या क्या आ गया, बैंक रेट एंड अदर रेट्स,
अभी जब मैं बी टॉपिक कराऊंगा इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यानी तीनों रेट एक साथ आ गए बी में। एल में हो गया हमारा लिक्विडिटी रेशियो, ओ में हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सी हो गया हमारा कैश रिजर्व रेशियो। तो जो मैं पहले कह रहा था कि ये लिक्विडिटी रेशियो दो गुल्लक होती हैं उनकी डिटेल आने वाली है, तो वो यही टॉपिक है जहां इनकी हम डिटेल देखेंगे। तो ये चार हमारे पहले पहले वर्ड ले लिए, शॉर्टकट बन गया ब्लॉक। बैंक रेट में और रेट्स भी होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो टोटल तीन ये हो गए और तीन ये, यानी ये हो गए हमारे टोटल सिक्स। अब इस साइड आते हैं, ये तो थे क्वांटिटेटिव, ज्यादा क्वांटिटी में आइए छह। क्वालिटेटिव हमारे कम होते हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म बन रहा है पहले पहले वर्ड्स MMS, पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा M मॉरल सुएशन और S सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। नाम से थोड़े अलग लग रहे हैं जरूर, पर एक बार अगर इसको हम समझ लें तो बहुत आसान है, इतने आसान है कि एक बार समझने के बाद चाहे हम दोबारा नहीं भी करते ये तो भी हमें ये याद हो जाएंगे। तो वैसे टॉपिक थोड़ा ज़्यादा ही ये लंबा है, तो या तो मैं आज की क्लास को यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पूरा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एक एक इंस्ट्रूमेंट को समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो नेक्स्ट में हम इसको डिटेल में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।